चर्चा रे देवगढ़ विधानसभा स्थान तारीख घोषणा सहित तो बढ़ला निर्वाचनी ताति पुणी बाजी मार लक्ष्य में बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही टिकेट रेस रे अन्य आशायी बीजेडी कड़ा टक्कर देवा प्रस्तुत टिकेट रेस रे एकाधिक प्रार्थी सेपटे 20 वर्ष पर कमबैक करने को कांग्रेस लक्ष्य ढेंकानाल परजंग विधानसभा आसन पर एथर भी हेब कि कड़ा टक्कर विगत तीनोटी निर्वाचन में बीजेपी कड़ा टक्कर देले भी बाजी मारुछि बीजेडी पद्म क्यांप्रे कार्तिक साहू जोगदेवा परे उत्साहित बीजेपी सेपटे युव प्रार्थी को नहीं कमाल करने को कांग्रेस लक्ष्य बलांगीर प्रार्थी घोषणा पूर्व ही जमिला प्रचार युव भोटर को टार्गेट कर आयोजन सेलिब्रिटी स्टार नाइट स्टेज नाचुचंती आशायी प्रार्थी राजनीति समीक्षक कहिले एथर हेब कड़ा टक्कर बीजेपी छाड़ बीजेडी जोगदेले सोर म्युनिसिपालिटी चेयरमैन माधव धड़ा शताधिक समर्थकों सहित धरले शंख मिश्रण जुगु बीजेडी मजबूत होबोली कहिले विधायक प्रताप जेना भल प्रदर्शन नहीं आशावादी परशुराम धड़ा बीजेपी बीजेडी मेंट चर्चा को नहीं सरगरम कला पांड्यान बयान न्यूज 18 राइजिंग भारत मंच में 5T अध्यक्ष कहिले कले बड़ खुलासा कहिले विजय दुई दल को दरकार नहीं मेंट राष्ट्रर हित एकाठी काम करने को चाहती दुई श्रेष्ठ नेता नवीन और मोदी बीजेडी बीजेपी मेंट चर्चा मध्य पुरी और भुवनेश्वर लोकसभा क्षेत्र को नहीं द्वंद्व दुई एमपी सीट किए कहा छाड़ राजी नथिबा सूचना 24 बाजी जीतवा को उभय दल करे निर्वाचनी रणनीति देवगढ़ जिलार एकमात्र विधानसभा आसन देवगढ़ एठार सबु राजनैतिक दलर आशायी प्रार्थी लंबा लाइन बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही पुणि थरे टिकेट रेस बेले अन्य आशायी प्रार्थी होगा इच्छा सेपटे 2019 पराजय स्वीकार करथिबा बीजेडी एथर देवगढ़ आसन अख्तियार करने को जोरदार प्रस्तुति जारी रखी सेपटे 2004 देवगढ़ आसन अख्तियार करनथिबा कांग्रेस आसंता साधारण निर्वाचन में विजयर बाना उड़ाइवा को स्वप्न देखुछि मात्र देवगढ़ राजनीति में राज परिवार गुरुत्व बहन करुथिबा बेले आसंता निर्वाचन में कौन रहिबो भूमिका से नहीं सस्पेंस लागि रहिछि बीजेपी रो गड़ देवगढ़ रे एथर काहाकु मिलिबो दलीय टिकेट बीजेपी वर्तमान रो विधायक सुभाष चंद्र पाणिग्राही को उपरे पुणि थरे भरोसा करिबो ना आउ केही तोली नेबो पद्म देवगढ़ विधानसभा निर्वाचन मंडली एथर किए अख्तियार करिबो शासक बीजेडी बीजेपी ना कांग्रेस देवगढ़ जिल्लार एकमात्र विधानसभा क्षेत्र देवगढ़ आसन रेबे विधायक अछंती बीजेपी रो सुभाष चंद्र पाणिग्राही 2019 निर्वाचन जितिबा पूर्वरु से 2000 एवं ता पूर्वरु 1998 उपनिर्वाचन जीति तीन थर विधायक हो सारी आसंता निर्वाचन में भी विधायक होवार आशा रखिंट सुभाष किंतु बीजेपी दल में भी रही एकाधिक आशायी जिला सभापति अरुण साहू साधारण संपादक सच्चिकांत दास राजपरिवार सदस्य माधवी देवी युवनेता सुधीर ब्रह्मा को नहीं चर्चा लगी रही 2019 साधारण निर्वाचन में संबलपुर लोकसभा सांसद भाव बीजेपी दलरु मनोनीत होते देवगढ़ राजा नितेश गंगदेव हेले गत पंचायत निर्वाचन पूर्व नितेश आउ देखा मिलूनता बेले संगठन दायित्व बुझुंट श्री अरुंधती देवी एवं बड़ पु नमन गंगदेव स्वामी बीजेपी सांसद होते भी अरुंधती किंतु बीजेडी मुहां होता चर्चा सुजोग मिले आसंता निर्वाचन में अरुंधती मैदान को ओह्लैबे कहते भी क्यों दलर लड़े स्पष्ट करूना तेणु आसंता निर्वाचन में राजपरिवार भूमिका कौन रही से नहीं लगी रही सस्पेंस
गाँ चलो अभियान प्रत्येक मंडल रे महिला मानकर माने समावेश प्रत्येक पंचायत रे महिला मानकर समावेश वर्तमान से दृष्टि आम जहाँ बुलाबूली कर लोकों समर्थन मोदी सरकार प्रति रही वर्तमान लोक मैंने समस्ते चाहते ओडिशा रे परिवर्तन रो कथा लोकों समर्थन आम प्रति अच्छी लोक मैंने पुणे आशीर्वाद कले आगामी दिन सुनिश्चित भाव में आम पुणे विजय लाभ करबो। प्रथम कहवाक चाहूँ आम तो आम सोशल वर्क जारी रखीचु लोक सेवे आम लगे एत वर्ष रु आमको मौका मिले आम निश्चय लोक मगि आम भल कम करी ही आम अच्छा लगि ही आम कम करम करूवा। गत साधारण निर्वाचन में बीजेडी विजय होइ नथिले भी कड़ा टक्कर देथिले रोमांच रंजन विश्वाल मात्र 6878 भोट्रे सुभाष कठारु पराजय स्वीकार करथिले। गत पंचायत निर्वाचन में किंतु पूरा चित्र बदली जाइथिला। बीजेडी 68% भोट हातेई 7-7 जिला परिषद आसन अख्तियार करथिला। याकु देखिला परे बीजेडी रो संगठन वृद्धि पाइथिबा जणा पडुछि। मात्र 7000 रु कम भोट्रे परास्त होइथिबारु पुणि थरे विधायक दौड़े अछन्ति रोमांच रंजन विश्वाल। तेबे दल रे अन्य आशायी प्रार्थी रहिथिबारु प्रार्थी किए हेब ता उपरे समस्तक नजर। देवगड़ पौर परिषद अध्यक्षा शांति मंजरी देई सरपंच संघ सभापति सत्यनारायण पाणी वरिष्ठ नेता देवेंद्र बेहरा प्रमुख टिकेट दाबीदार थिबा चर्चा हेउछि। 2004 निर्वाचन रे शेष थर पई देवगड़ आसन अख्तियार करथिला कांग्रेस। विधायक होइथिले वर्तमान संबलपुर लोकसभा सांसद नितेश गंगदेव। सेही दिन ठारु देवगड़ आसन अख्तियार करि पारि नाही कांग्रेस। सेमो हेम्ब्रम जिला कांग्रेस सभापति दायित्व पाइबा परे देवगड़ जिले में संगठन अधिक मजबूत होइछि। किछि दिन मध्यरे शताधिक कर्मी कांग्रेस रे जोग देउछन्ति। आसंता निर्वाचन रे सेमो हेम्ब्रम आशायी प्रार्थी रहिथिबा बेले विजय नै आशावादी। आज विजु जनता दल देवगढ़ जिले में स्थिति कौन मो अपेक्षा आपण मैंने बेटर जानते आम पंचायत इलेक्शन रे बहुत बढ़िया रिजल्ट करूँ लक्षाधिक भोट आमको समर्थन मिली तेणु एवं भी आम पूरा प्रस्तुत अच्छु। विजु जनता दल देवगढ़ जिला आगु गड़ थिला जनता दल गड़ थिला एबे पुणी विजु जनता दल गड़ करने को आम समस्ते कर्मी नेता समस्ते आशायी अच्छा। हाँ मुझे निश्चित भाव में आशायी प्रार्थी जेहेतु मुझे जिला कांग्रेस सभापति अच्छी संगठन आम करुचु देवगढ़वासी सेवा करुचु देवगढ़ समस्या को दूर करुचु। कांग्रेस प्रति देवगढ़वासी ये समर्थन आसो देवगढ़ जिले में बीजेडी और बीजेपी संपूर्ण भाव देवगढ़ जिला को अवहेला कर जिलावासी कौन सी योजना ना से आम देवगढ़वासी कम करुचु आंदोलन करुचु। संबलपुर लोकसभा अधीन आसुवा देवगढ़ में मे 25 तारीख में निर्वाचन हो पूर्व क्यों दल क्या प्रार्थी करेंगे एवं ताऊपर समस्त नजर। देवगड़ संजीव पाणिग्राही न्यूज 18 ओडिया। देवगड़ गड़ सजाड़ सबु राजनैतिक दल हेले किए मार बाजी एथर पुणि थे बीजेपी निजर गड़ अख्तियार करिबो ना कमबैक करिबो बीजेडी ना बीजेडी आउ बीजेपी को पछरे पकई सिंहासन अख्तियार करिबो कांग्रेस। देवगढ़ जिलार संजीव पाणिग्राही न्यूज 18 ओडिया। आउ ब्रेकिंग खबर आसी पहुंची कांग्रेस छाड़िले विधायक अधिराज पाणिग्राही कांग्रेस पई गोटे बड़ झटका। खड़ियार विधायक अधिराज पाणिग्राही कांग्रेस रु इस्तफा देइछन्ती दलर प्राथमिक सदस्य पदर इस्तफा देइछन्ती अधिराज पाणिग्राही एवं आसंता काली बीजेडी रे जोग देवा नै संभावना मध्ये रहिछि। चर्चा हेउछि आलोचना हेउछि कि कांग्रेस विधायक अधिराज पाणिग्राही आसंता काली बीजेडी रे जोग दे पारंती किंतु वर्तमान समय रे कांग्रेस को एकाठी करिबाकु कांग्रेस रो मुखिया माने चेष्टा करथुवा बेले ये आउ एक बड़ झटका। कांग्रेस छाडिछन्ती विधायक अधिराज पाणिग्राही एवं निजर प्राथमिक सदस्य पदर इस्तफा देखते आसंता काली बीजेडी रे जोग देवा नहीं चर्चा होम सहित तो फोन लाइन जोड़ी होती सुमंत सुंदर आम सीनियर करेस्पंडेंट। सुमंत कांग्रेस गोटे बड़ झटका निर्वाचन ठीक अव्यवहित पूर्व कांग्रेस विधायक अधिराज पाणिग्राही जी की दीर्घ दिन धरी कांग्रेस सहित तो जोड़ी हुई रही थे सी दल छाड़ी अधिराज मोहन पाणिग्राही हरियाणार कांग्रेस विधायक 2019 निर्वाचन से बहुमत पाइक विधानसभा को आसते किंतु कथा हूँ जे जिते बड़े कांग्रेस राज्य में संगठित होगा जाते बड़े कांग्रेस को बाय बाय करदे अधिराज मोहन पाणिग्राही तेणु दलर प्राथमिक सदस्यता पदर से इस्तफा देते
ଯେହେତୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫାପତ୍ରକୁ ସେ ଅଖିଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଯଦିଓ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ପାଇଁ ସେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଦଳରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି କି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି କି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଅ ଜଣ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 24 ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ତେଣୁ ନୂଆପଡ଼ା ନୁହଁ, କେବଳ ଖରିଆର ନୁହଁ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତିଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ନ୍ୟାୟଯାତ୍ରା ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ତୁମ୍ବନେତାମାନେ ଯଦିଓ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି କି ଯେ ସେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଯେ ଅଧିରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା, 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 69,308 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଖରିଆରରୁ, ଯେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ପାଇଲା ପରେ ସେ ସେଠି ବହୁମତ ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ପାଇଥିଲେ 56,451 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ବିଜେପି ଥିଲା ତୃତୀୟ ପୋଜିସନରେ 52,245 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁମନ, ଯଦି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରୁ, ଏବେ ଏମିତି କଣ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି କାରଣ ବାବଦରେ ଜଣାପଡୁଛି? ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ବିଜେଡି ବିଜେପି, ତାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେ ଅଧିରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କାହିଁକି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସେ କିଛି ଦିନ ହବ ନୀରବ ରହିଥିଲେ, ଦଳର କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁନଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ନଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାଯିବା କଥା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବା କଥା ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ତିଆରି ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଘଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖୁନଥିଲେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟାନରରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନିହାତି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଗଲା। କିଛି ଦିନ ଧରି ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ମନସ୍କ ଥିଲେ କି ଯୋଉଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି? ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ ଖବର ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଥିଲା କି ଯେ ଅଧିରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେହେତୁ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ କିଛି ଦିନ ହବ ନିଜ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସଂଗଠନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁନଥିଲୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି କହୁଛନ୍ତି କି ଦଳର ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ଏବଂ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି, ସେଠି ଦଳ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ହୁଏତ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏବଂ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଖରିଆଳର ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜି ସାରିଛି ବିଗୁଲ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କେଉଁ ଦଳ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶରେ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟରୁ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 25 ତାରିଖରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ 7ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ହେବ ମତଦାନ। ପରଜଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଏଥର ହୋଇପାରେ ଜୋରଦାର ଫାଇଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଳ ଗୋଟାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ଆଶାୟୀ। କଂଗ୍ରେସ ଜଣେ ଯୁବ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଶେଷ କରି ନିକଟରେ ଦଳ ବଦଳ କରିଥିବା କିଛି ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସହ ପରଜଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି ଜୋର ଧରିଲାଣି, ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍।
राज्य राजनीतिर अन्यतम गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन मंडली होउछि ढेंकानाल परजंग विधानसभा क्षेत्र। प्रार्थी घोषणा होइनथिले भी एबेठु आशायंकु नै जोरदार चर्चा। निर्वाचनी इतिहास को देखिले एठारे कड़ा टक्कर देखिबाकु मिलिछि। बीजेडी नृसिंह चरण साहू और बीजेपी विभूति प्रधान 2009, 2014 और 2019 निर्वाचन में देखा मिली हाई वोल्टेज फाइट। 2019 मात्र 740 खंड वोट व्यवधान में होता फैसला। बीजेडी नृसिंह चरण साहू 78,747 खंड वोट पाई बेले विभूति प्रधान खाता को जाता 78,007 खंड वोट। 6,795 खंड भोट सह तृतीय स्थान में रही कांग्रेस। 2019 कहीं 2014 3,052 और 2009 5,188 खंड भोट व्यवधान में बीजेपी विभूति को मात दी बाजी मारी बीजेडी नृसिंह चरण साहू। तेज एथर निर्वाचन मैदान को से निजे ओल्लैबे ना पुओं बाट छाड़े ता रही नजर। दल जहाँ निष्पत्ति नब से अनुसार कम कर नृसिंह कहते सबुथर आम कंटेस्ट हो जोर है बीजेपी सहित आम कंटेस्टा जोर हो सब जितुचु बड़ कथा है आम लोक सहित भल संपर्क रखीचु लोक भल व्यवहार देचु एवं लोक सहित सब मिशुचु से आमपाई बड़ कम प्रत्यक्ष पार्टी जहाँ निष्पत्ति नब। विगत तीनटी जाक निर्वाचन में कम व्यवधान में पराजयर सामना कर बीजेपी विभूति प्रधान एथर भल प्रदर्शन नहीं आशावादी। सेपटे 2019 बीजेडी विजयर अन्यतम मुख्य पुरुद साजिश कार्तिक साहू एवं बीजेपी में जोग देते। वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित ढेंकानाल बीजेपी कार्यालय समर्थकों सह पद्म धरी कार्तिक तेणु एथर निर्वाचन में आहरी रोचक हो पारे लड़ी। एथर विभूति प्रधान को विधायक करने एकमात्र लक्ष्य रही कार्तिक साहू। अन्यपटे विभूति प्रधान आशायी प्रार्थी तालिकार रही परजंगर ब्लक अध्यक्ष महिला प्रार्थी शर्मिष्ठा दल बेहरा। मु तो भावुची जनसाधारण परिवर्तन करिवे मु परिवर्तन करि पारिबी बोली जति कि भावुनी एथरे ऑटोमेटिक लोक माने परिवर्तन मुहा हेजिदि एटा हमकु सो होजी आमे एथरे लाभवान होबु। नीति आदर्श को भल पाइगे आमे दल रे शामिल हेले परजंग पे मिशन कोन रहबागे परजंग आमर किमते आउ थरे आमर बीजेपी रो विधायक हबो सेतपटे समस्त आमे चेष्टा करिवु एवं आमे जितिबु। विगत तीनटी जाक निर्वाचन में परजंगे कांग्रेस नैराश्यजनक प्रदर्शन करता बेले दल पक्षर होता प्रार्थी यारी भितर पद्म कैप जोग दे सारे से आसंता निर्वाचन में कांग्रेस जड़े युव और आक्टिव प्रार्थी को आगक आनी भल प्रदर्शन करने को लक्ष्य रखी। यही क्रम आगे अच्छा युव नेता रंजित कुमार साहू से विगत किसी मस निर्वाचन मंडल में लोकों सह जोड़ सहित ग्राउंड में आक्टिव रही एणु टिकेट मिले भल प्रदर्शन नहीं सी आशावादी। नरेंद्र मोदी सरकार बीजेपी सरकार उपरे भी विमुख हो गले आ समस्त जानते ये स्टेट रे बीजेपी बीजेडी गोटे ताबे जहाँ जानना थी एपन भी जानते रिसेंटली जो तर मेट चर्चा बर्तमान सुधा भी थमार ना तो से केसेस लोक बर्तन अल्टरनेट बोली कांग्रेस को ही भाई सारे तेणु आम युवक मान प्रथम प्रायोरीटी दौ विशेषकर से चषा बहुल अंचल चषा जाति को आमे आगे रखा को आमे सही धरण आमे कैंडिडेट को फिक्स करुछु। निर्वाचन इतिहास को देखिले एठारे बीजेडी और बीजेपी मध्य कड़ा टक्कर देखा मिली। 2024 लड़ई रोचक हो राजनीति विशेषज्ञ मत। मे 25 परजंग विधानसभा आसन पर मतदान जहाँ को नहीं राजनैतिक पाणीपाग एबेठु सरगरम। तेरे टिकेट रेस प्रथम किए बाजी मारुछि एबे ता उपरे समस्त नजर। डॉक्टर नृसिंह साहू से जन हो पुराणा खेला निर्वाचन मंडल में दृढ़ लोक संपर्क रही से किभली भाव निर्वाचन को परिचालना करेंगे ता आगामी निर्वाचन में जो लड़े हम ताको स्पष्ट कर। केवल 2019 निर्वाचन में मात्र 740 खंड भोट्रे विभूति प्रधान पराजयर सामना करते तेब उभय दलर जदि प्रार्थी परिवर्तन न हुंती तबे जनमत रे विराट परिवर्तन हेबार जथेष्ट संभावना मध्य रही। ढेंकानाल परजंगुर आशीष रंजन शतपथी न्यूज 18 ओडिया। कर्मचारी को एसीबी चिकित्सा करा उभय वर्तमान विपदमुक्त थी डाक्तखाना पक्ष कर्मचारी क्षितिश परिडा और विरंच जेना गोड़ गुड़ बाजी।
जनक गोडर गुड़ी बाहरी जाता बेले जरूरी अस्त्रोपचार हो एसीबी प्रशासनिक अधिकारी कहते सका उभयों प्रथम एसीबी ट्रमा काजुआलिटी और पर सर्जरी विभाग में भर्ती कर अर्थोपेडिक और सर्जरी विभाग एक स्वतंत्र डाक्तरी टीम तत्वावधान में उभयों चिकित्सा जारी रही समस्त आनुषंगिक परीक्षा निरीक्षा शेष होती एवं दुई वन कर्मचारी विपदमुक्त अच्छा खूब शीघ्र उभय सुस्थ हो एसीबी प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर अविनाश राव 2020 मसीह होता बहुचर्चित जशीपुर ब्लक तीन कोटी 21 लाख टकर मनरेगा दुर्नीति मामला 25 जन अभियुक्तों मध्य तीन जन को ईडी नोटिस आसंता 20 तारीख दिन ईडी हाजर होगा निर्देश रही 2020 मसीह जशीपुर ब्लक पोड़ागड़ बरहीपाणि अष्टकुमार गुरुगुड़िया और धलाबणी ग्राम पंचायत में कौन से उन्नयनमूलक कार्य न हो मनरेगा योजन में 3 कोटी 21 लाख टंका आत्मसात होता खबर विभिन्न गणमाध्यम प्रकाशित होता तत्कालीन जशीपुर ब्लक वीडियो अनुपमा घोष से दुर्नीति में जड़ित 25 जन अभियुक्तों नाँ जशीपुर थाना एक लिखित अभियोग करते तत्कालीन सहकारी जंत्री राजेन्द्र कुमार पात्र कनिष्ठ जंत्री दिव्यलोचन नायक और कड़ाकोड़ ग्राम पंचायत तत्कालीन कनिष्ठ जंत्री सामिल थे बलांगीर प्रार्थी घोषणा पूर्व ही जमिला प्रचार विशेषकर एथर टार्गेट रही युव भोटर खास आयोजन स्टार नाइट सेलिब्रिटी नाच गीत सहित स्टेज रे नेता परफर्मांस देखा मिली जहां दर्शाऊ बलांगीर कि उष्म है निर्वाचन मैदान आरंभ हो निर्वाचन ऋतु एथिरु बात पड़ेनी बलांगीरी जोठी दल तरफ टिकेट घोषणा हो नथले भी आशाय प्रार्थी ग्राउंड रे आक्टिव हो सारी निज निज अंदाज रे भी प्रचार आरंभ कले विशेषकर एथर फोकस युव भोटर क्योंटी क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन करोटी म्यूजिकल नाइट बीजेडी नेता कलिकेश नारायण सिंहदेव बलांगीर पटना क्रिकेट टूर्नामेंट आड़े आयोजन करते असीमा पंडा स्टार नाइट निजे स्टेज में नाचि एथस कर्मकर्ता नचाई युवक मान शिक्षा स्वास्थ्य संस्कृति क्रीड़ा क्षेत्र में ठीक मार्ग नेवास युवपीढ़ीर फिडबैक् नेवाई यह एक भल मध्यम कहते कलिकेश नारायण सिंहदेव यहाँ साहित्य हो संस्कृति हो निजुक्ति हो शिक्षा हो ना स्वास्थ्य अनुष्ठान मान को आम ठीक लाइन में नेबा लगी और सजेसन नहीं कर भविष्य बलांगीर विकास उन्नति करने लगी प्रयास बीजेडी नेता भली कांग्रेस नेता भी पछरे पड़ी ना किसी दिन तले कांग्रेस प्रार्थी समरेन्द्र मिश्र युव संवाद कार्यक्रम जरिया बॉलीवुड अभिनेता तथा कांग्रेस नेता मनोज मिश्र को स्टेज में नचाई एथस युवक युवती मानों वार्तालाप कर बलांगीर विकास जोड़ी होगा कौतवा नजर आसी जहाँ दर्शाऊ ग्राउंड में किभली आक्टिव रही कांग्रेस तो आम गोटे इनिशिएटिव नहीं जो युव संवाद करूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम भोटर तांगे गोटे आलोचना संवाद रखीलु आटा मुझे भावी गोटे बहुत भल पदक्षेप जो थ्रुक आम बहुत भल फिडबैक् मिली निश्चित भाव दिस विल सेट अ न्यू कोर्स निर्वाचन तारीख घोषणा सह सरगरम है राजनैतिक परिवेश बलांगीर बाजी मारिबा को प्रस्तुत बीजेडी बीजेपी एवं कांग्रेस आगामी दिन में तीन प्रमुख दल बीजेडी बीजेपी कांग्रेस प्रार्थी मध्य कला टक्कर देखा मिलपे एवं जार आभास मिल सारे मे 20 बलांगीर हेब निर्वाचन तापूर्व प्रार्थी चयन उपर सभी नजर जहाँ देखा वर्तमान पर्यंत बलांगीर दुईट दलर प्रार्थी पारती नईपारती घोषणा तो है ना दुईट दल प्रार्थी बहुत माने एक्टिव अच्छा निर्वाचन मंडल से माने विभिन्न कार्यक्रम जोग दौंस गाँ गाँ बुलूं सीटा है कांग्रेस दलर समरेन्द्र मिश्र आउ बीजेडी दलर कलिकेश नारायण सिंहदेव बलांगीर निर्वाचन मंडल राजनैतिक पाणीपाग बेस सरगरम है दुई पारंपरिक प्रतिद्वंदिता करुवा प्रार्थी कांग्रेस एवं बीजेडी निज निज भोटर निकट को निकटतर होगा स्टार नाइट करा
युव संवाद करी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हाई वोल्टेज प्रचार करमि दिने कि दुई दिन भितर भोट हम कि बलांगीर चंद्रभद मरणा न्यूज 18 ओडिया। बीजेपी छाड़ी बीजेडी रे जोगदेले सोर म्युनिसिपालिटी रो चेयरमैन माधव थोड़ा। बालेश्वर जिला सोर निर्वाचन मंडल रे अनेक कर्मी बीजेपी छाड़ी बीजेडी रे शामिल होछंती। म्युनिसिपालिटी रो चेयरमैन माधव थोड़ा तांको समर्थकंक सहित बीजेपी छाड़ी बीजेडी रे शामिल होछंती। ए मिश्रण बीजेडी को आगामी दिन रे अधिक सशक्त करिवो बोली विधायक प्रताप जेना और स्थानीय विधायक परशुराम थोड़ा कहछंती। सेबड़ मुख्यमंत्री को विकास धारा रे शामिल हेबाकू बीजेडी रे जोग देथिबा कहछंती माधव थोड़ा। आज मुझिवत भाव आज विजु जनता दल दावी देवी मान्यवर मुख्यमंत्री तथा विजु जनता दल सुप्रीमो नीति आदर्श एवं विकसित ओडा गठन करार जो स्वप्न मान्यवर मुख्यमंत्री देखिजे से अनुप्राणित सोर निर्वाचन मंडल विकसित निर्वाचन मंडल करने जो प्रतिश्रुति मान्यवर मुख्यमंत्री देखते ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲୁ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରୟାସ ହେଲୁ ଯେ ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଏକଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ଫଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶିକି ସୋର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଜି ଶୁଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ।